दोबारा मिल ले, मतलब मिलना तो सही नहीं, बस एक बार वो फार्मर जी तो मैड नहीं थी क्यों नहीं मिला मैं समझती क्यों नहीं। हाँ हाँ वो तो कहना चाहिए था सीनियर के पावन नहीं मतलब ये हेलो। हाँ हेलो जी कौशल जी लाइव है? जी जी हम लोग लाइव हैं। आप प्रेजेंटेशन ऑन कर दीजिए। जी जी सर, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? जी सर, स्टार्ट करते हैं फिर। आप आपका इंट्रोडक्शन भी दे देना पहले, उसके बाद स्टार्ट। ओके हेलो कौशल जी, स्टार्ट कर दीजिए आप प्रेजेंटेशन। ओके नमस्कार, आज का जो फसल सभा होने वाला है वो होगा ग्राउंड नट के ऊपर। उससे पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले अपने इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है कौस्तव सामंतो, मैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर एडिज एग्रो लिमिटेड में काम करता हूँ, साउथ बंगाल से हूँ मैं। और आज का जो प्रेजेंटेशन होगा ग्राउंड नट के ऊपर होगा, और उसमें मैं ग्राउंड नट के जितना भी चाहे उसमें बैक्टीरियल डिजीज या फिर जो भी डेफिशिएंसी है और जो भी प्राइमरी चीज़ें ग्राउंड नट कल्टीवेशन के लिए चाहिए होता है उसके बारे में सभी किसान भाइयों को मैं बात करना चाहूँगा। तो नेक्स्ट स्लाइड। जी, ग्राउंड नट का जो साइंटिफिक नेम है वो है एराकिस हाइपोजिया। और इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट में ये ग्राउंड नट कल्टीवेट होता है। उसमें से जो मेजर स्टेट्स है उसमें गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। और आज के दिन में देखा जाए तो ग्राउंड नट एक ऐसा क्रॉप है जिसका प्रोडक्शन धीरे धीरे बहुत ग्रोथ हो रहा है। ये जो डेटा मैंने शेयर किया है यहाँ पे, ये है 2019-2020 का डेटा। और अगर दो साल आज के तारीख में बात करूं तो अभी उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना, ये भी जितना स्टेट है ये बहुत आगे निकल चुका है। अभी के दिन अगर हम देखें तो दो सीजन एक एक जगह पे ग्राउंड नट कल्टीवेट किया जाता है, खरीफ और रवि। नेक्स्ट स्लाइड। जी, सबसे पहले अगर बात करूं तो सीजन और क्लाइमेट की, तो वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन में ये ग्राउंड नट हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं। इसका जो कल्टीवेशन के लिए 25 से 35 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर हो तो इसका फ्लावरिंग, पॉड फॉर्मेशन और जर्मिनेशन में बहुत हेल्प होता है। और अगर इससे ऊपर टेम्परेचर जाए तो इसका जो फसल का जो यील्ड है वो कम हो सकता है। एंड अगर 15 डिग्री के नीचे टेम्परेचर होता है तो फ्लावरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन में दिक्कत आ सकता है। अब अगर बात करूं सॉइल कंडीशन की, तो सैंडीलोम सॉइल बेस्ट होता है इसका कल्टीवेशन के लिए। और अगर किसी भी जमीन का पीएच 6 से 7 के अंदर है आप वहां पे ग्राउंड नट कल्टीवेट कर सकते हो। अब आते हैं सोइंग टाइम पे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अभी के दिन ग्राउंड नट को दो सीजन में कल्टीवेट हम लोग कर रहे हैं ज्यादातर जगह पे। और साउथ इंडिया में 3 सीजन ही आप ग्राउंड नट का कल्टीवेशन देख पाओगे। खरीफ सीजन की अगर बात करूं तो इसका जो सोइंग टाइम, सोइंग मंथ है वो जून टू जुलाई है। आप इसमें बारिश के ऊपर डिपेंड करके इसका सोइंग होता है उस टाइम। और रबी का क्रॉप, एज ए अगर रबी क्रॉप बात करूं तो नवंबर दिसंबर में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। एंड समर क्रॉप फेब्रुआरी टू मार्च के बीच में इसका कल्टीवेशन किया जाएगा। तो अभी जो इस टाइम पे जो क्रॉप हो रहा है वो रबी क्रॉप, एज एन रबी क्रॉप ग्रो होगा। और मैं अगर बात करूं तो इसका जो मेन सीजन है, 85% ऑफ द ग्राउंड नट
ये खारीफ एंड रोबी ये दो सीजन के अंदर ग्रो होता है, और समर क्रॉप ये प्रॉपरली डिपेंड करता है इसमें पानी का क्या रोल होगा, कितना पानी मिलेगा उसके ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड जी, अगर मैं बात करूं कल्टीवेटेड वैरायटीज की तो आप नारायणी टैग 24, टैग 37A, इसको TG37A, TG24 के नाम से भी आप जानते होंगे, गिरनार 3, देवी TJ37, K6, मोल्लिका धरणी, इसके अलावा भी साउथ इंडिया में चित्रा और कौशल्या ये दो जो सीड वैरायटी है इसका भी कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट, पहले जितना भी मैंने अभी तक बात किया ये सारा था बेसिक नॉलेज ऑन ग्राउंड नट। मैं अब आता हूं इसका जो प्रिपरेशन है सॉइल का ये कल्टीवेट करने से पहले, तो उसमें हम लोग कैलबोर्ड 10 केजी देते हैं, उसके साथ सुपरमैक्स 3 से 5 किलो, विथ केमिकल फर्टिलाइजर आप लोग एनपीके जितना देते हो उसके साथ थोड़ा कम करके ये दे सकते हो। और मैं अगर बात करूं दूसरा तो ऑर्गाफार्ट ये 50 केजी, तो इसका ये एकर का डोज है। ये ऑर्गाफार्ट जो हमारा कंपनी का प्रोडक्ट है इसको आपको सिंगल यूज करना होता है, इसको आप किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर या फिर कोई भी केमिकल चीजों के साथ मिक्स करके नहीं यूज कर सकते। इसमें रहा 3 जो बैक्टीरिया होता है यूजफुल, जो मिट्टी को ज्यादा उर्वर करने में हेल्प करता है, वो नष्ट हो जाता है। इसके साथ आप इसके अलावा भी आप ऑर्गा प्रॉम 150 केजी पर एकड़ और ऑर्गा पोटास 150 केजी पर एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अब आते हैं इसका सोइंग। सॉइल प्रिपरेशन के बाद आप जब इसको सोइंग कर देंगे उसके 20 डेज बाद आप मेरिनो गोल्ड 5 केजी एंड एग्रोमिन सॉइल 3 केजी इस हिसाब से मिट्टी में दे सकते हैं, और आप 30 to 35 days 30 से 35 दिन बाद एग्रोमिन गोल्ड आप 1.5 से 2 ml पर लीटर एंड मैक्रोफार्ट 6 से 7 ग्राम पर लीटर ये दो एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब 60 डेज आफ्टर जब पॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है प्रॉपरली, तो इसमें आपको पॉट का जो साइज है उसको ठीक रखने के लिए आपको बोरोन 20 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से एरिस टोटल के साथ 1 ml पर लीटर के साथ मिक्स करके आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आपका जो पॉट का साइज कलर ये सारा कुछ मिल जाता है आपको पॉट को, और एरिस टोटल आपका जो गाछ पेड़ का जो क्रॉप का ग्रोथ है उसको ठीक रखने में सहायता करता है। अब 90 से 100 दिन के बीच में आप 0050 स्प्रे कर सकते हैं, वो ड्रेंचिंग के रूप में आपको स्प्रे करना होगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। 110 दिन के बाद आप मैक्रोफार्ट 20-20-20 जिसका एनपीके का रेशियो है उसको 6 से 9 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं इसका जो डिजीज अब मिलता है, तो उसमें बैक्टीरियल डिजीज के रूप में ब्लैक स्पॉट जो सबसे ज्यादा इस क्रॉप में पाया जाता है, तो आप उसके लिए डाइफेनोजोल के साथ प्लांटोमाइसिन और केमाइसिन, अगर आपका प्लांट में ब्लैक स्पॉट का डिजीज का चांसेस बहुत है तो आपको एक बार प्लांटोमाइसिन और एक बार केमाइसिन ऐसे स्वैप करके आपको स्प्रे करना अच्छा होता है आपके क्रॉप के लिए। और इसका जो डोज होता है प्लांटोमाइसिन का 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी के में। उसके बाद आते हैं स्टेम रॉट डिजीज में, तो इसमें आप एरीज का जहान 2 ml पर लीटर के साथ प्लांटोमाइसिन और केमाइसिन ये भी आपको चेंज करके देने से अच्छा रिजल्ट मिलता है।
और इसका भी जो डोज है वो भी 1 से 2 ग्राम रेमेल पर लीटर के हिसाब से बेटर रिजल्ट के लिए रिकमेंडेड है। इसके अलावा भी अगर मैं डिजीज की बात करूं तो आपको कभी कभी दिखता है इसका ग्रोथ अचानक स्टॉप हो जाता है, तो उस टाइम पे आप ट्राइकोडर्मा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी ओवर मैच्योरिटी का जो प्रॉब्लम आता है कभी कभी ग्राउंड नट में, उसके लिए आप कार्टर नाम का एक केमिकल होता है आप उसको यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा भी 0050 के साथ कोई भी हार्मोन आप स्प्रे कर सकते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि जब रबी क्रॉप में आप ग्राउंड नट को शो करते हैं तो प्लांट अचानक मर जाता है, तो उस केस में आप डाइफेनोजोल के साथ प्लांटोमाइसिन स्प्रे करने में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब आते हैं प्लांट जो अचानक मर जाता है, आप कभी कभी देखेंगे कि ज्यादा पानी ना होने के बाद भी आपका प्लांट अचानक मर रहा है, तो उस केस में आप एरीज का जो चेला कॉप है उसको सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब आते हैं पेस्ट मैनेजमेंट में, जो साकिंग इंसेक्ट है उसके लिए एरीज पोरोम्बीर 2 ml पर लीटर के हिसाब से और हासिल 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप लोग स्प्रे कर सकते हैं अच्छा रिजल्ट के लिए। इसके अलावा भी आपको एंथ्रेग्नोस और पाउडरी मिल्ड्यू जैसे डिजीज ग्राउंड नट में दिख जाता है। और ब्लैक स्पॉट के लिए आप एक और चीज यूज कर सकते हैं उसके उस रिगार्डिंग चेलाकेल विथ चेलामिन एंड प्लांटोमाइसिन, इन 3 प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो अभी तक मेरा जो प्रेजेंटेशन था उसके रिगार्डिंग आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो कौशल जी। जी थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन। इसके अलावा और कोई इन जनरल इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो? जी, सीड ट्रीटमेंट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग मैंकोजेब 63% के साथ कार्बिंडाजाइम 12% 50 ग्राम पर 10 केजी सीड के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो कल्टीवेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो नॉर्मल शोइंग है वो तो है, उसके अलावा भी अगर आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट चाहिए तो उस केस में आप मालचिंग पेपर का मदद ले सकते हो, इसमें आपको 1.5 गुना ज्यादा यील्ड मिल सकता है। और इसका जो सीड रेट है, ये मेरे प्रेजेंटेशन में नहीं था, तो उसका सीड रेट आप 30-35 केजी पर एकड़ के बेसिस पे होता है। और ग्राउंड नट कल्टीवेशन का जो मेन मोटो होता है मिनिमम वाटर मैक्सिमम टाइम, मतलब आप पानी का जो परसेंटेज है उसको कम कर सकते हो बट जो पानी देने का टाइम है, मतलब ज्यादा बार पानी दो बट उसका अमाउंट जो है उसको कम रखो, तो आपका जो यील्ड है वो आपको ज्यादा मिलेगा। कौशव जी, हमारे साथ साउथ के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जी, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था वो हिंदी में जानकारी पाना, तो क्या आप थोड़ा इन शॉर्ट आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो प्रेजेंटेशन इंग्लिश में? ओके, मैं शेयर करती हूँ वापस प्रेजेंटेशन। इन जनरल आप ओवरऑल आउटलाइन दे दीजिए आपके प्रेजेंटेशन का इंग्लिश। जी, जरूर जरूर। ओके ओके सर, एक मिनट। जी कौशल जी, स्टार्ट कर सकते हैं आप। एक सेकेंड, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। ओके, स्क्रीन दिख रही है ना? जी जी जी। ओके सर, स्टार्ट कर। Good evening everyone, I am Kaustav Samanto, I am working as an assistant manager in South Bengal area
in Aris Agro Limited. Today I am discuss about groundnut crop. And first of all, I want to tell you the groundnut scientific name. It's Arachis hypogea. If I first start talk about groundnut producing state, first of all, most influential state will be Gujarat, Rajasthan, Tamil Nadu, Maharashtra. Nowadays, we can see the groundnut growing in India, and it's cultivated mostly two times, Kharif and Rabi. 85% of the groundnut will cultivate in those two seasons, Kharif and Rabi. Nowadays, we can see Telangana, West Bengal, and Uttar Pradesh growing groundnut rapidly. You can say it is the most influential crop in India right now. Next slide. First, if I talk about season and climate, so warm and moist condition is the best for groundnut cultivation. 25 to 35 degree centigrade is the best condition for good germination, flowering, and pod formation. And if I talk about flowering and pod formation, behind 25 degree centigrade, it is failed to germinate. And after 35 degree centigrade, the crop can destroy it. Now, soil condition. Sandy loamy soil, as it is rich in organic matter, it is best for the crop. Its pH must be 6 to 7. It is recommended. Now, if I talk about sowing time, as I said, groundnut is mostly cultivated in Kharif and Rabi. And in South India, it is cultivated in three times, as a Kharif crop, as a Rabi crop, and also as a summer crop. If I talk about Kharif as a Kharif crop, then June to July is the best time for groundnut cultivation. And it is very obvious that it will depend on the rain. Now, as a Rabi crop, November to December is the best time to cultivate. And as a summer crop, February to March is the best time for sowing. Next slide. Now, best cultivated varieties, Narayani, TG24, TAC37, Girnar 3. In most of the places, you can say TAC37 is also known as TG37, K6, Mallika, and Dharani. In South India and Gujarat, Chitra and Kaushalya is also a famous cultivated variety. Next. Till now, I am talked about the groundnut basics. Now I want to discuss the soil preparation. First of all, calbore. The dosage I am mentioned here are mostly per acre basis. First of all, calbore, 10 kg per acre, supermax 3 to 5 kg, and also chemical fertilizer as you guys used. Now, Orgafert 50 kg per acre. You can't use Orgafert with any chemical fertilizer because it will react with those and it don't work in that case. And also you can use Orgaprom and Orgapotash separately, 150 kg per acre in both cases. Next. After 20 days of sowing, Merino Gold 5 kg per acre and Agromin Soil Plus, also known as Agromin Grade 1, 3 kg per acre, you can use for better result. After 30 to 35 days, we recommend Agromin Gold 1.5 to 2 ml per liter and Macrofert, where NPK ratio is 20-20-20, 6 to 7 gram per liter basis for the better pod formation. Next.
after 60 days when pod formation has started, then you have to use boron 20, 1.5 to 2 gram per liter. It helps the pod to grow more and its size will be bigger. And you can use boron 20 with total 1 ml per liter. And Aristotle provides basic nutrient to the plant, as Aristotle has NPK with more nutrient, it provides the plant most of the nutrient. After 90 to 100 days, you can use 0050, and its method must be 5 kg drenching method for better result and high yield. After 110 days, it is the last stage of the plant, as it is 130 days plant. So macrophage 6 to 9 gram per liter, and NPK ratio here is 20-20-20. And macrophage dose will be 6 to 9 gram per liter. Next. Now let's discuss about its diseases. As we know, groundnut has more bacterial diseases than pest. First, I want to talk about black spot disease. It is the most common disease in the groundnut. In case of black spot disease, must use plantomycin or K-mycin. I want to recommend plantomycin or K-mycin as swap method. If you use first plantomycin, then in case of second dose, you must have to use K-mycin for better result. With any fungicide, and the fungicide I want to recommend is difenoconazole fungicide I recommend. And the plantomycin or K-mycin dose will be 1 to 2 gram per ml liter of water. And in case of stem rot disease, use Jahan 2 ml per liter with plantomycin or K-mycin, as I said, swab method, 1 to 2 gram per liter of water for better result. And also we see groundnut plant early mature disease. So in that case, Antrac and Profinex plus plantomycin you can use. In groundnut, plant die is a most common disease. And also over maturity. In case of over maturity, you can use 0050 with any hormone or Calter. And in case of, as I said, plant die, Chelacop in soil application, it prevents the plant die disease. Now let's talk about pest management. For destroying any kind of sucking insect, use Paramvir 2 ml per liter or Hasil 1 ml per liter. It provides the best result. And we see powdery mildew, anthracnose disease also in groundnut crops. And if you guys have any confusion regarding this discussion, you can ask the question in comment section. Thank you so much. Thank you so much, sir, for explaining it in English. But there are a few questions. Okay. Major soil groundnut application kab karwa sakte hain, kitni dose mein aur kya fayda milega usse? Major soil groundnut का application कब करवा सकते हैं और क्या dose है और उससे क्या फायदा होगा? Hello. Hello. हाँ सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रहा है। हाँ, तो एक क्वेश्चन है, मेजर सॉल ना? हाँ, मेजर सॉल ग्राउंडनट एप्लीकेशन। ये मेजर सॉल आप 90-100 डेज के अंदर करा सकते हैं, 0050 जैसे मैंने बताया था,
उसके जगह आप मेजर सेल यूज कर सकते हैं। इसमें पोटाश ज्यादा होता है तो उस टाइम आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। बट क्या फायदा क्या है उसमें, क्या किस मतलब फ्रूट फॉर्मेशन मतलब जो पॉड फॉर्मेशन होता है उसको अच्छा रखने के लिए और उसका जो ग्रोथ है उसको स्टेबल रखने में पोटाश हेल्प करता है। तो आप कोई सा भी पोटाश चीजें यूज कर सकते हैं, 0050 या फिर मेजर सॉल्यू कैन यूज। ओके, और एक सवाल है सर, विच प्रोडक्ट वुड बी बेस्ट एंड व्हेन शुड इट बी यूज्ड फॉर गुड सीड वेट इन ग्राउंडनट। गुड सीड ट्रीटमेंट राइट, सीड वेट प्रिपरेशन। हाँ, सीड वेट के लिए कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर होगा? सीड वेट के लिए बोरोन 20। ओके, बोरोन 20 1.5 to 2 ग्राम पर लीटर with Aristotle, because Aristotle provide major nutrient to the plant and boron 20 helps to get more weight, color, that's it. Ne? Okay. इसके अलावा और कोई जानकारी आप देना चाहेंगे सर जो उनको ध्यान रखना है या soil preparation के वक्त या ऐसा कुछ? वो इंग्लिश में मैंने बताना भूल गया, वो मल्चिंग के लिए, मल्चिंग पेपर, तो फॉर साउथ इंडियन आई वांट टू रिकमेंड मल्चिंग पेपर विल हेल्प यू टू गेट 1.5 टाइम मोर यील्ड देन नॉर्मल मेथड यू यूज। ओके, सो मल्चिंग विल गिव बेटर रिजल्ट्स एंड इंक्रीज द यील्ड। यस। ओके, और एक सवाल है सर, टिक्का लीफ डिसीज के लिए एरीज का कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? टिक्का लीफ डिसीज इंग्लिश आई गेस इट्स अ ब्लैक स्पॉट, आई थिंक ब्लैक स्पॉट चेलाकेल प्लस चेलामिन विद प्लांटोमाइसिन। चेलामिन विद प्लांटोमाइसिन फॉर ब्लैक स्पॉट, चेलाकेल प्लस चेलामिन प्लस प्लांटोमाइसिन। ओके, और डाइफेनाकोनाजोल प्लस प्लांटोमाइसिन और केमाइसिन। ओके, एंड प्लांटोमाइसिन डोजेज विल बी 1 to 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। ओके, और कोई सवाल है किसी को प्लीज पूछिए। Okay, there are no more questions, sir. Okay. From anyone's end. So thank you, everyone. Yeah. Okay, sir. Thank you so much for the presentation, both in Hindi and English. Thank you. I hope you have been very clear about the questions. Sir, सवाल आए हैं कुछ दो तीन. Okay. Or, which products should be used in the basal dose for increasing the number of pods in groundnut? Basal dose के लिए आप लोग कैलबोर्ड 10 kg per acre के हिसाब से with supermax 3 to 5 kg के रेशियो में यूज करिए। कैलबोर्ड में आपको बोरोन से लेके बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाता है, कैल्शियम, तो इसमें आपको पॉड फॉर्मेशन के टाइम में भी हेल्प होता है। और सुपरमैक्स में सल्फर के वजह से आपका जो पॉड का साइज और वेट है उसमें भी मदद मिल जाता है और पौधे का जो ओवरऑल ग्रोथ होता है इनिशियल स्टेजेस में उस टाइम ये सुपरमैक्स मदद करता है। और पोटाश आप ऑर्गा पोटाश 150 kg पर एकड़ के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं और केमिकल पोटास भी आप आपके इच्छा के ऊपर बेस है, आप कौन सा यूज करना चाहेंगे
ये प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग यूज करिए, तो आपका जो पॉट का साइज और जो चाहिए होता है तो वो अच्छा मिलेगा आपको। सर एक सवाल और है कि जो ब्लैक स्पॉट डिजीज होता है ग्राउंडनट में, जी जी, क्या उसके लिए हम केमाइसिन और रजत का कॉम्बिनेशन रेकमेंड कर सकते हैं? नो, कंपनी के तरफ से रजत एचडी किसी भी केमिकल और कोई भी प्रोडक्ट, चाहे कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड हो या फिर कोई भी बाहर का कंपनी का हो, आप यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग रिकमेंड ये नहीं करते हैं। ब्लैक स्पॉट डिजीज के केस में अगर आपको रजत एचडी यूज करके एक्सपेरिमेंट करना है तो आपके जो लोकल हमारा स्टाफ है उनसे कांटेक्ट में आइए, वो आपको जाके डेमो दे सकते हैं और उसमें रजत एचडी सिंगल यूज होगा क्योंकि उसको हम किसी भी केमिकल के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, पहली बात। और ब्लैक स्पॉट डिजीज में आप प्लांटोमाइसिन यूज कर सकते हो, तो उसके लिए आपको चेलाकेल या चेलामीन के साथ यूज कर सकते हो प्लांटोमाइसिन, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके सर, और इन जनरल इन्होंने पूछा है कि ग्राउंडनट क्रॉप जो इन जनरल होता है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है? उसमें सल्फर और पॉट का साइज और कलर के लिए आप बोरोन। सल्फर क्यों? क्योंकि इसका जो ये है ये आपका ऑयल बेस्ड है क्रॉप, तो करेक्ट, तो बेटर ऑयल फाइट करेगा उस टाइम। सल्फर बेस्ड कोई भी फर्टिलाइजर होगा और सुपरमैक्स सल्फोनाइट। ओके सर, और सर्दी में ऐसी मतलब इन जनरल कौन सी दवाई डाली जाती है, मतलब सर्दी से कोई नुकसान ना पहुंचे इस चीज के लिए? ठंड के वजह से आपको ब्लैक स्पॉट मिल जाएगा, ब्लैक स्पॉट डिजीज होता है। ओके जी, और अगर ग्रोथ स्टॉप हो गया है मतलब अचानक कोई भी पौधा अचानक उसका ग्रोथ घट रहा है आपको दिख रहा है, तो उस टाइम आप ट्राइकोडर्मा यूज कर सकते हैं एज आई सेड। ओके या एनी मोर क्वेश्चंस? जी नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि कोई क्वेश्चंस हैं और आवाज थोड़ा कम आ रहा है। हेलो, हाँ आ रही आवाज मेरी? जी 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 बताइए। नहीं मैं पूछ रही हूँ कि कोई क्वेश्चंस और है कि नहीं है, अभी तक पेज पे इतने ही क्वेश्चंस आए थे हमारे पास। ओके ओके, सारे आंसर कर दिए हमने। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर सो मच फॉर द टाइम and presentation. मैं एंड कर रही हूँ सर मीटिंग अभी। ओके हेलो।